घोर कलयुग की शुरुआत, बीत चुके 5000 साल। भक्ति अपने चरम पे, नकली संतों का आया माया जाल। चारों तरफ घूम रहे कश्यप और शिशुपाल। सच हो गया क्या गांधारी का श्राप? पांडव चल गए हिमालय युद्ध के बाद। कामधेनु खड़ी राजा परीक्षित के पास। परीक्षित व्याकुल, देख धर्म गौ का हाल। तीन पैर कट गए, कैसे गौ संभालिए अपना भार? उसने पूछा, माँ कैसे हुआ ये सब हाल? धर्म देवी ने कहा, हर युग में कटते गए मेरे पांव। सतयुग में सत्य मरा, त्रेता में दया, द्वापर में तपस्या। दान करे कलयुग का कल्याण। 10,000 साल तक स्वर्ण काल संभाले अपना भार। और माया का जाल छोड़ने नहीं देगा संसार। पाप के साथ पुण्य का रहेगा वार्तालाप। चैतन्य महाप्रभु गुरु नानक सब छोड़ देंगे उनके वाणी का साथ। आ चुके हैं उस काले दौर की ओर। देवभूमि बन चुका है नरक लोक। जहाँ विद्या का होना था वासब, वही होने लगा समाज शर्मसारब। उस माँ का दर्द कौन पूछे जिसने खोया अपने बच्चे की जान? उस पिता का जीवन कौन समझे जिसने बच्चे को माना था अपना संसार? उस भाई का अकेलापन कौन समझे जिसके साथ खेला कूदा था नन्ही सी जान? अब डर लगने लगा है ऐसी मर्दानगी पे। ठाकुर गांव के मनमानी करते उचित जात के नाम पे। मदरसों में क्या होते छोटे लड़कों के साथ पाकिस्तान में? कठुआ, निर्भया, उन्नाव, हाथरस, क्या यही बच गया देखने को हिंदुस्तान में? जो सपने तितली ने देखा था क्या सच हो पाएंगे? क्या हर जगह दरिंदों का बसेरा, उन्हें कहां कब तक बचाएंगे? उड़ना चाहते वो सबसे पहले, पर अपने ही खाएंगे। और ये माँ भारती, तुम शस्त्र उठाओ, गोविंद ना आएंगे। और माँ भारती, तुम शस्त्र उठाओ, गोविंद ना आएंगे। गोविंद ना आएंगे, गोविंद ना आएंगे।